हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने क्लास टेंथ की मैथ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसमें वन बाय वन सारे चैप्टर सॉल्व करेंगे। आज चैप्टर टू पॉलिनोमियल के बारे में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर टू पॉलिनोमियल में हमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जो भी हमारी पॉलिनोमियल जिसे हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, जैसे कि 4x+2 या ax+b, कोई भी ऐसी टर्म जिसमें एक टर्म x की हो और दूसरी कांस्टेंट टर्म, इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है, हमने 9th क्लास में डिग्री के बारे में पढ़ा था। पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है? डिग्री वो टर्म होती है जो हाईएस्ट वैल्यू पावर एक्स की होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी एक्स की? 1। इसी तरह लीनियर में एक्स की डिग्री 1 होती है, तो वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? क्वाड्रेटिक में ax² + bx + c हो जाएगा। यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 2। इसलिए ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह थर्ड होती है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक जैसे कि नाम से बता रहा है, क्यूबिक यानी 3। इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी एक्स की? 3, ax³ + bx² + cx + d। कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री 3 हो, उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक हो गए। अब इसके बारे में बाद हम कराएंगे एक्सरसाइज 1 में। इसमें हम सारे चैप्टर सॉल्व करेंगे, इसलिए हम एक्सरसाइज वाइज चलेंगे। एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 में देखिए क्या कह रहा है। द ग्राफ ऑफ y = px, इसमें क्या कह रहा है ये देखिए। द ग्राफ ऑफ y = p(x) आर गिवन इन फिगर 2.0 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज बतानी है जो कि p(x) में कितने होगी। ठीक है, ग्राफ दे रखा है y = px। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। इसमें हमें ग्राफ में बताना है कितनी जीरो। ग्राफ में बताएंगे जैसे कि पहला ग्राफ है हमारे पास y = p(x) है, जीरोज बतानी है, जीरोज ऑफ p(x) बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये देखा, इसमें क्या दिया है ये लीजिए। क्वेश्चन दिया गया y, नीचे है y' यहाँ हो गया x, पॉजिटिव x, नेगेटिव को डिनोट कर रहे x', ये आ गया 0। अब पहले में दिया गया हमें ऐसे ग्राफ दे रखे, ठीक है। अब जीरोज ऑफ px बतानी है, यहाँ p के साथ क्या जुड़ा हुआ है? x, यानी हमें जीरो बतानी है x लाइन में। x में जो लाइन है यहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कहीं भी नहीं काट रही,
तो इसका मतलब पी ऑफ एक्स में ज़ीरो कितने हैं, ज़ीरो, यानी देयर इज नो ज़ीरो, नो ज़ीरो इन दिस ग्राफ। ठीक है, इसमें ज़ीरो कैसे पता लगता है, हमारे पास कितनी ज़ीरो है कि नहीं, इसमें जहाँ जहाँ ग्राफ काटेगा एक्स पे, मान लो कोई ऐसे ग्राफ है, वाई एक्स एक्स डैश, कोई ग्राफ है ये, यहाँ पे है मान लो कोई, यहाँ पे एक जगह कट करा, यहाँ दो जगह कट करा, यानी वन और टू, दो पॉइंट पे कट करा है इसने एक्स एक्सिस को, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, टू, हेयर therefore here number of zeros in p of x is 2। जितनी जगह पे ग्राफ x लाइन x को कट करेगा उतनी नंबर ऑफ जीरोज आ गई, यहाँ पर टू टाइप दो जगह पर कट करें तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई, 2। अगला करते हैं, एग्जांपल करा रहा हूँ, कोई और ग्राफ ले लीजिए, कर लिए, एक्स डैश एक्स एक्स एम वाई वाई डैश, ग्राफ्स ऐसे हैं, ये देखिए ये ग्राफ दिए गए हैं, हम नंबर ऑफ जीरोज इन पी एक्स बताएंगे कितनी है नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ एक्स लाइन को कितनी बार कट कर रहे हैं, वन टू थ्री, तीन जगह पर कट कर रहा है, वन टू थ्री, थ्री जगह पर कट करा, देखो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएगी, थ्री, नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। ये बहुत ईजी है, बस ध्यान रखना है इसमें कि लाइन जो है अगर पी एक्स दे रखा है तो एक्स लाइन पे करना है, अगर पी वाई दिया गया हो तो वाई लाइन पे देखा जाएगा, यहाँ पी एक्स है, एक्स लाइन पे देखा कितनी जगह कट गया, तीन जगह, वन टू थ्री, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इज थ्री। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई ऐसी ऐसा ग्राफ है, ये दिया गया मान लो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, अगर कोई ऐसे ग्राफ है ये टच किया है सिर्फ उसने एक पॉइंट पे, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ गई, एक जगह टच किया है, नंबर ऑफ जीरो होगी वन, कितनी होगी वन, पी एक्स में ऐसे ही लगा लीजिए, ये हो गया नंबर ऑफ जीरोस पॉइंट। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज इन वाई कहते, पी वाई में पता जाता तो कितनी वाई पे कितना कटा है, वन, वन टाइम था, तो पी वाई में कितनी जीरो आ जानी थी, वन। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अगली एक्सरसाइज में आ जाते हैं, एक्सरसाइज 2.2 में, एक्सरसाइज 2.2 पॉलीनोमियल, इसमें क्या है, इसमें वही फंडा है सेम, हमें पॉलीनोमियल पता होनी चाहिए कौन सी है, पहले लीनियर पता है आपको, क्वाड्रेटिक से स्टार्ट होते हैं, ये मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है कोई, पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कोई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इसमें फाइंड क्या करना है, हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है, नंबर ऑफ जीरोस, हमें फैक्टराइजेशन वाले मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, जैसे हम पहले सॉल्व करते थे, कोई एग्जांपल लेंगे हम,
इसमें नंबर ऑफ जीरो, मान लो कोई इसमें जीरो आ गई, अल्फा, लेट अल्फा, एंड वेरीफाई करने का तरीका भी इसमें, वेरीफाई करने का, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरो, देन रिजल्ट क्या शो करना पड़ेगा, रिजल्ट इज वेरीफाई करने का, एक तो प्लस है, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए हमारे पास, माइनस बी ओवर ए आना चाहिए, और सेकंड में जो प्रोडक्ट इनकी अल्फा इंटू बीटा वो आनी चाहिए सी ओवर ए। अगर ये सेटिस्फेक्शन होती है तो आपका वेरीफाई होता है आंसर। ठीक है, एग्जांपल से शुरू करेंगे, आपको आशा है अच्छी तरह समझ आएगा। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, कोई एग्जांपल से सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। माइनस बी क्या है, देखिए बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, इसको हम नेगेटिव ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ओवर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये कोफिशियंट ऑफ एक्स है, ये कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट ओवर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अपने आप समझ आएगा। एक्सरसाइज 2.2 में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, हमारे को कोई क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये कोई क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें पता क्या करना है, फाइंड द जीरोज, सबसे पहले फाइंड करना है दी जीरोस, जीरोस फाइंड करनी है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो, एंड वेरीफाई करना है रिलेशन को, वेरीफाई दी रिलेशन। ठीक है, वेरीफाई करना है रिलेशन को, स्टार्ट करते हैं। ये मान लो कोई पी ऑफ एक्स दे रखी है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 से, सबसे पहले फैक्टराइजेशन से हम तोड़ लेते हैं इसको, मिडल टर्म को तोड़ लेते हैं, इनकी प्रोडक्ट 8 बनना चाहिए, यानी माइनस 2 को क्या लिख लेंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 से। ठीक, अब इसको 0 के बराबर लेंगे, 0 फाइंड कर लेंगे, अब इसे खोल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, चल रहा है। अब इन दोनों में x कॉमन आ गया, x माइनस 4 यहाँ भी क्या आ जाएगा, x माइनस 4 यहाँ से क्या प्लस 2 कॉमन इक्वल टू 0। अब आगे गया अब आएगा x माइनस 4 कॉमन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो जीरोज आ गई हमारे पास, आइदर जो एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो सकता है, जिसमें एक्स कितना आ गया 4, और सेकंड कंडीशन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ एक्स की कितनी आ गई माइनस 2, दो जीरोज आ गई। यहाँ पे अल्फा कितना आ गया, हेयर अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बिट्टा इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 टू वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए हमें, रिजल्ट ये किया था ना, अल्फा प्लस बिट्टा कितना आना चाहिए, इनका सम कितना आना चाहिए, माइनस b ओवर, यानी कोफिशियंट ऑफ x ओवर कोफिशियंट ऑफ ax स्क्वायर, अल्फा प्लस बिट्टा यानी 4 प्लस माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी आ रहा है माइनस बी ओवर ए के बराबर आ रहा है, माइनस बी कितना है, माइनस बी हेयर माइनस बी ओवर ए कितना है, माइनस बी कितना है माइनस 2, यानी माइनस ऑफ माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है 1, 1 इक्वल टू 2 बाय 1 इक्वल टू 2 आ रहा है, ये रिजल्ट हो गया वेरीफाई।
सेकंड प्रोडक्ट वाला, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, क्या आना चाहिए, सी ओवर ए, यहाँ फोर इंटू माइनस टू, फोर टू द एट, एट ऑफ माइनस, यानी आना चाहिए सी ओवर ए, सी ओवर ए कितना है, ए, सी कितना है माइनस एट, माइनस एट, ए कितना है वन, वन इक्वल टू माइनस एट, आ गया, आ गया, यानी वेरीफाइड हो गया, आ गया समझ, वो करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, टी स्क्वायर माइनस पंद्रह, ठीक है, कोई पॉलीनोमियल दे रखे हैं पी ए पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस पंद्रह, इसमें भी सेम पता करना है, एक तो जीरोस फाइंड करनी है, दूसरा रिलेशन वेरीफाई करना है। जीरो फाइंड करने के लिए लेट टी स्क्वायर माइनस पंद्रह इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, उसके बाद टी स्क्वायर यहीं रह गया, पंद्रह माइनस के उधर चले गए, बन गया पंद्रह, टी से स्क्वायर हटा तो यहाँ बन गया प्लस माइनस अंडर रूट पंद्रह, अब यहाँ ज़ीरो आ गई, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, आइदर जो टी इक्वल टू प्लस फिफ्टीन का आएगा और टी इक्वल टू माइनस एंड रूट फिफ्टीन, ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं, टू वेरीफाई रिजल्ट जीरोस, लेट अल्फा इज इक्वल टू रूट फिफ्टीन एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट फिफ्टीन, ठीक, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आता था हमारे पास रूट फिफ्टीन प्लस माइनस रूट फिफ्टीन, रूट फिफ्टीन माइनस रूट फिफ्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो आता, जो क्या आना चाहिए माइनस पी ओवर ए। अब इक्वेशन देखिए, टी स्क्वायर तो है, ए तो है, पर बी है क्या, नहीं, बी क्या होती है, टी की वैल्यू है क्या, टी स्क्वायर टी की कोई वैल्यू नहीं है, टी का है नहीं कोएफिशिएंट कोई भी, यानी कितना है ज़ीरो, यानी बी कितना है ज़ीरो, बी है पी ओवर ए ज़ीरो, ए की वन वैल्यू है वन, यानी माइनस बी ओवर ए कितना आ गया ज़ीरो, जो कि सही है। सेकंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है रूट फिफ्टीन इंटू माइनस रूट फिफ्टीन, फिफ्टीन 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 आ गया, माइनस ऑफ फिफ्टीन, रूट रूट कैंसिल हो गया, फिफ्टीन आ गया, ये कितना होता है सी ओवर ए। अब सी कितना है, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है फिफ्टीन, सी ओवर ए कितना है माइनस फिफ्टीन, और टी का कोएफिशिएंट ए कितना है वन, वन जो कि आ रहा है माइनस फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन है जो भी सही है, हैंस वेरीफाइड। अच्छा आपको समझ आ रहे होंगे, अब हम क्वेश्चन टू में आ जाते हैं, इसी में क्वेश्चन टू, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करनी है, फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करनी है, नोमियल फाइंड करनी है जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली वन बाय फोर एंड माइनस वन दिए, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, जिसमें सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, वेयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, जीरोज आर गिवन है, देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है
1/4 -1। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ले ले। सबसे पहले लेट दी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बी कितना ले लिए, ax² + bx + c, एंड इनके जीरोस भी ले ले, जीरोस भी अल्फा एंड बीटा, ठीक है, दो जीरो हो गए। अब हमें दे रखा क्या है, वी हैव सम यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, ठीक है। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a। सिमिलरली एंड जो है प्रोडक्ट कितनी दी है, अल्फा इंटू बीटा कितनी दे रखा है, -1, जो कि होता था c/a, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल जाएगी, सो वन क्वाड्रेटिक, यहाँ पे a कितना आ गया 4, b कितना आ गया 1, c कितना आ गया 1, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। c कितना है, -1 है, c -1 है, ठीक है। अब फाइंड हो जाएगी क्वाड्रेटिक, a की जगह 4 आ जाएगा, यानी 4x² b - b/a। यहाँ पे -b कितना है 1, यानी ये भी क्या हो गया -b, यानी -b 1 है, तो -1 आ जाएगा, -1 -x² आ जाएगा, यहाँ पे -x² -x और -1 = 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ गया। बस ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, सो 1 क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज (4x²) - x - 1। Yes. Okay, thank you. Next exercise अगले lecture में पढ़ेंगे।